वो हमारे बीच में सर आ चुके हैं और वो आपको बताएंगे कुछ सक्सेस के टिप्स। तो लेट्स वेलकम नेक्स्ट, आपकी आवाज स्क्रीन के ऊपर चेहरा जो आप देखेंगे वो है मिस्टर नरेंद्र धीमान सर का, जो 6:55 तक हमारे साथ रहेंगे माय डियर फ्रेंड, और वो बताएंगे आपको सक्सेसफुल टिप्स। तो डायरी और पेन अपने पास रख लीजिए, खुश मिजाज चेहरे के साथ, एक प्यारी सी मंद मंद मुस्कान के साथ वेलकम करते हैं हम नरेंद्र धीमान सर का स्क्रीन के ऊपर। आइए सर, नेक्स्ट चेहरा और आवाज आपकी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स दीपक सर, आप इतनी अच्छी होस्टिंग करते हो कि सेशन में जान डाल देते हो। थैंक्स स्पेशल आपका, आपने इतने अच्छे तरीके से इनवाइट किया, वेरी वेरी थैंक्स। और आपकी जो टैगलाइन है, उठ जाग मुसाफिर भोर से ही, सर मेरे पूरे ग्रुप में सबसे पहला मैसेज यही होता है, पूरे ग्रुप में, ब्रॉडकास्टिंग में ग्रुप्स में मैसेज यही होता है। और उसके बाद में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, सेशन शुरू करने से पहले, जिसकी वजह से आज मैं इस कंसेप्ट में हूँ। दोस्तों जिस दिन मेरे पास ये कंसेप्ट आया था, अगर परमात्मा ने समर्थ बख्शी, मेरी मुंडी यहाँ में हिल गई, तो मैं इस इतने शानदार कंसेप्ट में आ पाया। अगर कहीं ये मेरी ना में हिल जाती तो दोस्तों मेरी लाइफ वही होती जो पहले थी। उसके बाद में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मेरे माता पिता का, जो जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी और लाइफ ठीक थी। उसके बाद में दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे विक्ट्री ग्रुप के फाउंडर मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा और श्री मेघरा शर्मा जी का, जिनकी वजह से आज मैं इस कंसेप्ट में हूँ। दोस्तों मैं मेघरा शर्मा को बात कर रहा था, लखविंदर सर को बात कर रहा था, और मतलब बात मेघरा सर के साथ पहले भी किसी कंसेप्ट में था। दोस्तों उनकी वजह से आज मैं सिस्टम में हूँ। उसके बाद में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारी फाउंडर 31 के फाउंडर त्रिमूर्ति मिस्टर जनकरा शर्मा, मिस्टर अमन भरद्वाज और मिस्टर मुकेश चौधरी जी। दोस्तों ये तीनों ऐसी अपलाइन है जो ग्राउंड पे पूरा साथ दे रही है, जिनकी वजह से आज हम डे बाय डे ग्रोथ कर रहे हैं, पूरी टीम डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। उसके बाद में मैं दोस्तों स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई, मेरे पूल पार्टनर मिस्टर हरप्रीत जी का, जो मेरा इस सिस्टम में पल पल साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से मैं आज ग्रोथ कर रहा हूँ, वो मेरा हर पल हर वक्त साथ दे रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ नरेंद्र जीत, और मैं पटियाला के सिटी नाभा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं रही ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो जेन्युइनली 10th पास है, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, और मेरे को ना एक हेल्थ चैलेंज है। दोस्तों मेरी आई साइट बहुत ज्यादा है, मतलब मैं दोस्तों मतलब मैं मेरे को इतना का हेल्थ चैलेंज है कि अगर मेरे को कहीं क्राउड में जाना पड़ जाए ना, तो मेरे को घबराहट होने लग जाती है, मैं अकेले चल भी नहीं सकता, इतना का हेल्थ चैलेंज है। दोस्तों मैं मतलब खुद की वैल्यू की बात करूं, तो अगर मेरे को कोई जॉब चाहिए होती, कहीं पे भी मेरे को जॉब चाहिए होती, तो मेरी खुद की वैल्यू 5-7 हजार रुपए थी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे को मतलब मैं अपनी बात कर रहा था कि मेरी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ इस इंडस्ट्री का जिसने एक ताज दिया, किंग
किंग का ही रूप बोल सकता हूँ, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, मतलब लाइफ चेंज हो चुकी है। दोस्तों मैं मेरी 2013 में मैरिज हो गई थी। 2013 में मैरिज होने के बाद में मेरे को ना मतलब बहुत चिंता थी, मेरी फैमिली को चिंता थी कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा अपनी आगे की लाइफ। मतलब इतने इतना बड़ा चैलेंज हो और मैरिज हो गई, फैमिली में से नॉर्मल हूँ, ये कोई नहीं है कि रिच फैमिली से हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मतलब लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो गया कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बच्चे हो गए। फिर मैंने क्या किया, मेरे बड़े भाई हरप्रीत, मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा, वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने ना मेरे को आज तक एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। हरप्रीत ने शुरू से लेके इस इंडस्ट्री से पहले भी जब से वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने अपने बच्चे की तरह ही मेरे को ट्रीट किया। उनकी टेलीकॉम शॉप थी, मोबाइल की शॉप थी, और उन्होंने मेरे को एडवाइस दी और मेरे को एडवाइस देने के बाद ओपन ही करके दे दी कि भाई तू भी इस लाइन में आ जा। मेरे को पूरा ट्रीट किया। दोस्तों मैंने मोबाइल शॉप खोल ली, काम अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। मोबाइल शॉप खोलने के बाद अच्छा काम हो गया, चलो खर्चे मेंटेन हो गए, सब कुछ मेंटेन हो गया। लेकिन 2017-18 में जब जियो लॉन्च हुआ, दोस्तों जियो लॉन्च होने के बाद में टेलीकॉम मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। जो इस इंडस्ट्री टेलीकॉम लाइन में है उन्हें सबको मालूम है कि जियो के लॉन्च होने के बाद में दोस्तों टेलीकॉम लाइन में बहुत बड़ा भूकंप आया था। जो इंडस्ट्री में पहले था वो सब खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि 4G लॉन्च हो गया, मोबाइल छोटे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। दोस्तों फिर चिंता हो गई, फिर मतलब ये हो गया कि आगे कैसे होगा। फिर वही कंडीशन हो गई जो पहले थी, फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो आज इस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन मैं उसका थैंक्स इसलिए करता हूँ कि उसकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरा दोस्त था, उसने कोई कंसेप्ट ज्वाइन किया। कंसेप्ट ज्वाइन करने के बाद दोस्तों वो मैं ना मेरे को चेक भेजता था, कभी किसी का चेक, कभी किसी का चेक, कभी मतलब पे आउट भेजने शुरू कर दिए उसने मेरे को। दोस्तों मैं टेंशन में था, डिप्रेशन में था कि आगे क्या होगा। जब मैं देखा कि वो मेरे को चेक भेज रहा है, मैंने वीरे से बात की, हरप्रीत ब्रदर से बात की कि ब्रो ये कोई मतलब फोटो भेजता है मेरे को डेली, किसी का पे आउट भेजता है, किसी का लाइफस्टाइल भेजता है, कि हमें भी देखना चाहिए। दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का कि इस इंडस्ट्री में दोस्तों हम बाय चॉइस आए थे। बहुत लोग होते हैं इस सेशन में भी, बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाय चांस आते हैं, किसी के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों हम दोनों भाई ऐसे थे जो जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बाय चॉइस यूज किया था। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आ गए, 2019 में हम इस इंडस्ट्री में आए थे। इस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों मतलब बहुत अच्छी अर्निंग की, बहुत अच्छी, किसी ABC कंसेप्ट में थे, वहां पे सब कुछ स्टेबल था, पैसा भी आ रहा था। लेकिन मैं ये बात उन लोगों की बोल रहा हूँ जिनके पास अभी आ रहे हैं, जो स्टेबल हैं इस बिजनेस में, उनके पास भी वो ऐसे लोग आ रहे होंगे। दोस्तों पैसा अच्छा आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे पास एक बागड़बिला आया। बागड़बिला आप समझ ही गए होंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों मैं अपना माइंड बहुत यूज करता था, कैलकुलेशन बहुत लगाता था, और चल रहा बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके साथ ज्वाइन हो गए। उसके साथ ज्वाइन होने के बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया, और पैसा लगाने के बाद
वो कंपनी क्या होता है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूम ही होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, जो पैसा था वो चला गया, बाद में जो पैसा इधर उधर से लेके करा था, इन्वेस्ट किया था, उसको पूरा करने के लिए दोस्तों अच्छी गाड़ी रखी हुई थी वो भी सेल आउट करनी पड़ी, सब कुछ मतलब मैं बोलूंगा कि मेरी हमारी जो लाइफ थी ना वो ही डिस्ट्रॉय हो गई दोस्तों, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद में रेनाटस मेघरा सर में सर रेनाटस में ज्वाइन हुए, उन्होंने स्टार्टिंग की थी, उन्होंने हमें बहुत बहुत मतलब फर्स्ट में अपॉर्चुनिटीज दी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन दोस्तों मैं फिर बोलूंगा कि मैंने खुद का दिमाग बहुत यूज किया। इवन के उस समय में मेघरा सर के साथ थे किसी कंसेप्ट में, सर को ब्लॉक भी किया कि नहीं अभी इस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है दोस्तों, मेघरा सर को ब्लॉक भी किया, लेकिन मैं उस वक्त उस समय को अभी अभी फील कर रहा हूं कि अगर वो समय मेरे को थोड़ी सी बुद्धि दे देता परमात्मा, लेकिन होता वही है जो टाइम 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 के हिसाब से होना है ना, मतलब सर मैं कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? कोई नहीं सर, आप सही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, कोई अच्छे से बात कर रहे हैं, आपका बहुत शानदार चल रहा है सेशन, आप बताइए फीलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैंने मेघरा सर को ब्लॉक भी किया, लेकिन लेकिन जब हमारा सब डिस्ट्रॉय हो गया तो कहते हैं कि जाना तो वही होता है जिसको हम देख रहे होते हैं कि सक्सेस हो रहा है, हमने मेघरा सर को कॉल की कि सर हमने आपसे मिलना है दोस्तों, मिलके स्टार्टअप किया, अप्रैल 2021 में हम इस इंडस्ट्री में इस रेनाटस वेलनेस में आए थे, 2 साल पहले दोस्तों इस इंडस्ट्री में आके भी मैंने बहुत दिमाग यूज किया अपना, मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा कि पैसा पिछले कंसेप्ट में बाय चांस पैसा आ गया, लेकिन मैंने बहुत दिमाग यूज किया अपना, और दोस्तों 1 साल 1.5 साल हम वहीं पे रहे, 1000 cc 1500 cc एग्जीक्यूटिव दोस्तों, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, फिर मैं थैंक्स करता हूँ, स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मैं मुकेश चौधरी जी का, दिल से थैंक्स करता हूँ दोस्तों, मुकेश चौधरी जी के पास चले गए, मेघरा सर के पास तो टाइम नहीं था क्योंकि उनका लेवल बहुत अप हो चुका था, 1.5 साल मैंने यूज किया दिमाग, मैंने फॉलो नहीं किया किसी को, और मेघरा सर का लेवल तब तक बहुत अप चला गया, उनके पास समय नहीं बचा, हम जैसे लोगों के लिए जो अपना दिमाग यूज कर रहे थे उनके पास समय नहीं बचा दोस्तों, फिर मुकेश चौधरी जी के पास गए, जो हम जो शुरू में सुनते हैं ना मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, दोस्तों वो लाइन में मुकेश चौधरी सर की बोलना चाहूंगा, सच में मुझे कोई नहीं पूछता था, जब से मैं मुकेश चौधरी सर की लाइफ मतलब मुकेश चौधरी सर को फॉलो करना शुरू किया है मैंने दोस्तों, लगभग 8 महीने से मैं मुकेश सर को फॉलो कर रहा हूँ, और 8 महीने में हमारा जो लेवल है वो मेंटेन चल रहा है, पहले एग्जीक्यूटिव मेंटेन रहा, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन रहा दोस्तों, अभी रीजनल है, रीजनल लेवल हो चुका है, और बहुत जल्दी ये लेवल भी मेंटेन रहेगा। मैं सर को एक पॉइंट सर का फॉलो कर रहा हूँ, जैसे वो बोल देते हैं जो बोल देते हैं वो मैं करता हूँ दोस्तों, मैं कभी जूम मैंने सोचा नहीं था क्योंकि मेरा माइंड ही नहीं था इस साइड को, मैं कभी जूम पे सेशन लगाऊंगा, पिछले 1.5 साल से मेरे को बोला जा रहा था कि भाई जूम पे आ जूम पे आ जूम पे आ, लेकिन मैं सोचता था कि जूम के बिना सर जाएगा, लेकिन जब से सर को फॉलो किया है सर ने मेरे को ना सर बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं मेरे को, उन्हें उन्हें मालूम है मेरे बारे में कि ये कैसे काम कर सकते हैं,
दोस्तों बहुत बोला गया था, लेकिन कल सर की कॉल आई, मैसेज आया था सर फ्लाइट में थे कि कल का तेरा सेशन है। मैंने बोला सर ठीक है, मैं लगाऊंगा, जैसे भी लगाऊंगा मैं, बट लगाऊंगा सेशन। दोस्तों मतलब मैं थैंक्स ही करता हूँ उनके सर का, जिनकी वजह से मेरे लेवल कैसे क्रॉस हो रहे हैं, कैसे क्रॉस हो रहे हैं मेरे को खुद को मालूम नहीं। दोस्तों जो इंसान एक क्राउड में चलने से डरता था, जो इंसान एक क्राउड में चलने से डरता था, आज इस इंडस्ट्री के वजह से मेरे उस इंसान के लगभग, पंजाब की बात करूं पूरी सिटी, पंजाब में तो हर एक सिटी में पार्टनर बैठा है, अदर स्टेट की बात करूं सोनीपत, दिल्ली, चंडीगढ़, और दोस्तों हिमाचल, डलहौजी, रामपुर, बिशार में, मतलब इस इंडस्ट्री की पावर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो इंसान कहीं जाने से डरता था, आज उसकी फैमिली हर एक सिटी में बैठी है, हर एक सिटी में उसकी फैमिली बैठी है। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने लवली पार्टनर्स का, जो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, पूरी टीम। जैसे मेरे को मुकेश सर बोल देते, मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, मतलब मैंने अपना दिमाग बिल्कुल ही बंद कर रखा है। और दोस्तों दोस्तों मैं सर को पूरा फॉलो करके ही चल रहा हूँ। सो सर टाइम कितना हुआ? टाइम अभी ठीक है, मैं सर को पूरा फॉलो करके चल रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक पीपीटी शेयर, पीपीटी के माध्यम से जो सर ने मेरे को प्लानिंग दी थी, मैं उसके माध्यम से आपको 90 डेज, जिसको फॉलो करके मैं अपने लेवल क्रॉस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं वो पीपीटी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर मेरे पास शेयर के ऑप्शन है? हाँ जी सर है, आप कर सकते हैं शेयर। दोस्तों ये जो मैं आपके साथ शेयर करने लगूं, ये 90 डेज, प्रॉपर 90 डेज की प्लानिंग है, जिसको फॉलो करके हम अपने लेवल मेंटेन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 में बताया गया पहले 3 दिन, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो दोस्तों। स्टेप 1 में बताया गया पहले 3 दिन में आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर स्क्रीन ऑफ हो गई मेरी? हाँ जी सर, स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी। दोस्तों पहले तीन दिन आपने क्या करना, ये उन लोगों के भी लिए भी है जो आज ही ज्वाइन हुए हैं या ज्वाइन करना है। आप कैसे 90 दिन में 1,00,000 रुपए पे पहुंच सकते हो दोस्तों, ये प्लानिंग मेरे साथ मुकेश सर ने शेयर की थी। आपने पहले 3 दिन क्या करना है दोस्तों, आपने ज्वाइन होने के बाद पहले 3 दिन कॉन्टैक्ट, हेलो आ रही है स्क्रीन सर, आ रही है, ठीक है। आपने दोस्तों पहले 3 दिन ज्वाइन होने के बाद में कुछ नहीं करना, आपने प्रोडक्ट प्लान। सर आपकी स्क्रीन फिर हट गई है सर, फिर हट गई है सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा।
अभी आ रही है। हेलो, आ रही है सर, कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, आपने पहले 3 दिन में प्रोडक्ट प्लान एंड कंपनी के बारे में पूरा जानना है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के कौन कौन प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। दोस्तों इस पूरी जानकारी, मतलब आपने पूरा एजुकेट होना है कि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्केट में आ जाए प्रोडक्ट के बारे में, आप उसे एक्सप्लेन कर सको। दोस्तों स्टेप टू, नेक्स्ट 12 डेज, नेक्स्ट अगले 12 दिन दोस्तों आपने क्या करना है, अगले 12 दिन आपने प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज लेके, और जैसे इमरान सर ने कल सेशन लगाया था, लगभग सभी ने सुना होगा, लिस्ट लिस्ट बिल्ड करके आपने अपनी पूरी लिस्ट, जितने भी आपके टच में लोग हैं, जितनी आपकी लिस्ट रेडी हो चुकी है, अगले 12 दिन में दोस्तों आपने एक एक को प्लान करना है, एक एक को प्लान करना है, मिनिमम मिनिमम 100 प्लान अगले 12 दिन में आपने करने ही करने हैं। दोस्तों इतने रिलेशन, इतने कॉन्टेक्ट, इतने रिलेशन तो हमारे होते ही हैं। नेक्स्ट 12 दिन में आपने 100 प्लान कर दिए। स्टेप 3 दोस्तों, जब आप 100 प्लान मिनिमम कर दोगे, ठीक है, आपके साथ मिनिमम 10% ज्वाइन होंगे हमें से, आपने 10% सेट करने हैं 100 लोगों में से जो आपके साथ बिजनेस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों स्टेप 3, जो लोग आपके साथ इन 15 दिन में ज्वाइन हो जाएंगे, अगले 15 दिन आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को प्रॉपरली गाइड करना है। जैसे आपने प्रोडक्ट एंड प्लान की नॉलेज दी, आपको कैसे आपने फील्ड में, आपका फील्ड एक्सपीरियंस हुआ, आपने अगले 15 दिन उन 10 लोगों को एक एक करके एजुकेटेड कर देना है। दोस्तों एजुकेट क्या करना है, दोस्तों सबसे पहला ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन हो गया, जो पर्सन भी दोस्तों, बेशक उसने 2 बोतल से ज्वाइन किया, 6 बोतल से ज्वाइन किया, 10 बोतल से ज्वाइन किया, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने उनको उनको प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपने उनको ये सिखाना है कि बात शुरू कैसे करनी है, ठीक है। ये पॉइंट आपने प्रोस्पेक्टिंग मतलब किसी पर्सन के साथ वार्तालाप कैसे शुरू करनी है, कैसे हमने करना है। जैसे इमरान सर ने कल बताया कि हमने जाते ही किसी के पास प्लान नहीं करना, उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बारे में पूछना है, बच्चों के बारे में पूछना है, ये सब प्रोस्पेक्टिंग में आता है दोस्तों। सेकंड आपने उसे सिखाना है मीटिंग, प्रोस्पेक्टिंग के साथ बात करने के बाद जो प्लान को लेके मीटिंग होती है, उसमें क्या क्या डिसीजन, क्या क्या मतलब क्या क्या आपने शेयर करना है, ठीक है। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है फॉलो अप। दोस्तों आपने जब आप प्लान कर दोगे, कोई भी प्लान आप मतलब आपने किसी पर्सन को प्लान कर दिया, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ इंस्टेंट ज्वाइन हो जाते हैं दोस्तों, इंस्टेंट बहुत कम ज्वाइन होते हैं, लेकिन हमने 24 से 48 घंटे में उन लोगों का फॉलो अप लेना होता है। जिसको भी प्लान कर दिया उसे 24 से 48 घंटे में आपने फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेने के लिए आपको मतलब 24 से 48 घंटे टाइम है, 24 से 48 घंटे अगर आप उसके बाद में फॉलो अप लोगे तो वो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। 24 से 48 घंटे में कम से कम आपने उसकी फॉलो अप ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टेप है होम मीटिंग। दोस्तों जब पर्सन ज्वाइन हो गया, रिजल्ट मिल गया, जब बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसे
उसे अब हमने बोलना है होम मीटिंग के लिए, होम मीटिंग पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे ही हम होम मीटिंग करेंगे दोस्तों, होम मीटिंग के बाद में अगला स्टेप है सेमिनार। हमें उस पर्सन को सेमिनार की इम्पोर्टेशन बताना होगा कि सेमिनार से कितना बड़ा काम होता है। हमें सेमिनार को प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टेप है टीम मैनेजमेंट। सेमिनार के बारे में बताने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है टीम मैनेजमेंट है दोस्तों। टीम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं। टीम मैनेजमेंट में हमारा जो मेन पॉइंट है, टीम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। जो टीम मैनेजमेंट में हमारा मेन पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी। हमारी कनेक्टिविटी टीम के साथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर हम किसी को कॉल करें तो उसे ये फील ना हो कि ये कहां से कॉल आ गई। हमारी कॉल जितनी मर्जी लंबी चली जाए, टीम को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये कहां से कॉल आ गई। और अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी, ये भी टीम मैनेजमेंट का ही पार्ट है दोस्तों। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ भी कम से कम, सर स्क्रीन क्यों हट रही है मेरी बार बार, आपका फोन इनएक्टिव मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर सर। दोस्तों अपलाइन के साथ हमारी डेली कनेक्टिविटी होनी चाहिए कम से कम दिन में दो बार। अगर हमारी टीम में कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो टीम मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। उसके बाद में दोस्तों डिजिटल मीडिया ये आज के दौर में इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मुकेश सर, अमन सर, जनक सर, सभी इस चीज पे, लखविंदर सर इस चीज पे जोर देते हैं डिजिटल मीडिया पे, ब्रॉडकास्टिंग, जूम। दोस्तों हम पिछले एक महीने से जूम के लिए लगे हुए हैं, हजार पार्टिसिपेंट करना है। जो इस इंडस्ट्री का मेन पॉइंट है जूम, डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर स्क्रीन ऑफ होगी सर, ये क्या हो रहा है सर? स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप वहां से देख के कंटिन्यू करना, मैं कर रहा हूँ। डिजिटल मीडिया के बारे में दोस्तों बात कर रहे थे। हमने 90 डेज डेली ब्रॉडकास्टिंग करनी है, डेली जूम पे आना है, डेली स्टेटस लगाना है दोस्तों। उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोस्तों, मरार साहब ने इसके बारे में भी कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल और हमारी टूल किट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को फील, मतलब सामने वाले को फील ना आए कि वाकई ये कुछ कमा रहा है, तो दोस्तों आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। उसे लगना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी से कि वाकई मैं किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में रिजेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड करना। कि अगर हम, मैंने पहले बताया था कि 100 लोगों को प्लान करना है, अगर हम 10 लोगों को प्लान करेंगे तो उसमें हमें 1% मिलेगा, ठीक है ये दोस्तों। 10 लोगों को आपने कॉल की,
उसमें किसी ने जैस की मिलने के लिए, किसी ने नो की मिलने के लिए, और दोस्तों हर 10 पर्सन के बाद में आपके पास 1 पर्सन ज्वाइन होगा, नौ लोग आपको नो करेंगे। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग, आपको लोगों के साथ बात कैसे करनी है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर। ये हम दोस्तों कहीं से भी सीख सकते हैं, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं आप उसको सीख सकते हो, उससे सीख सकते हो। और मतलब YouTube से सीख सकते हो। आपको सेंस होनी चाहिए कि आपने किसी के साथ कैसे पॉजिटिव टॉक करनी है, कैसे बात करनी है। दोस्तों ये 3 स्टेप थे, और 3 स्टेप यहाँ पे आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप पहले ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद में आपने क्या किया, आपने उन 10 लोग ज्वाइन कराए। अगले 15 दिन आपने 10 लोगों को प्रॉपरली प्रिपेयर कर दिया मार्केट में निकलने के लिए, प्रॉपरली ट्रेनिंग देके। दोस्तों यहाँ पे मैजिक होगा। देखो आपने आपने पहले आप अकेले थे, उसके बाद में आपके साथ 10 पार्टनर आपके और आ गए। और दोस्तों अगले 30 दिन, मतलब अगले 30 दिन आपने सेम डुप्लीकेट करना है, उन 10 लोगों से डुप्लीकेट करवाना है, उन 10 लोगों से प्लान करवाने हैं, उन 10 लोगों को टीम को ट्रेनिंग देने के लिए प्रिपेयर कर देना है। दोस्तों क्या होगा उसके बाद में, क्या होगा मैजिक देखिए। आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया पहले 30 दिन में, उसके बाद में उन 10 लोगों ने अगले 30 दिन में 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, तो आपकी टीम बन गई 100 पार्टनर्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी टीम स्टेप 5 दोस्तों, आपकी उसके बाद में दोस्तों 5 स्टेप पे आपने अगले 60 दिन में एरर ढूंढना है कि कहीं पे मार्केट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्लान किए, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, और खुद को अपग्रेड करना है। जो यूट्यूब से लेके कहीं से भी नॉलेज लो, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करो। दोस्तों जब आपकी 100 लोगों की टीम बन जाएगी, अगले यहाँ पे 90 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 90 दिन के बाद में आपकी आपकी 100 लोगों की टीम बन चुकी है। अगर 100 लोगों की मैं कैलकुलेशन की बात करूं, मिनिमम कैलकुलेशन लगाएंगे दोस्तों, अगर 100 पर्सन, 1 पर्सन 1 वीक में मिनिमम टू बॉटल सेल करता है, मतलब आपके 100 पर्सन ने कितनी बॉटल सेल की, 200 बॉटल सेल की। 200 बॉटल सेल की मींस आपकी मैचिंग 100 बॉटल A साइड 100 बॉटल B साइड। 1 बॉटल के हमें जो सीसी मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों 16, मतलब आपके 1600 सीसी मैच हो गए, आपने 1000 सीसी का लेवल क्रॉस कर दिया। 1600 सीसी पे पे आउट की बात करूं, मिनिमम 15,000 वीकली और मंथ का 60,000। लेकिन अगर वही 100 लोग 1 पर्सन 1 वीक में 6 बॉटल सेल करता है, ठीक है, तो आपकी कितनी बॉटल सेल होगी दोस्तों, आपकी बॉटल से 600 सेल हो गई। 600 पे मैचिंग कितनी हुई, 4800 A साइड
और 4820 साइड, मतलब आपने एग्जीक्यूटिव लेवल मेंटेन कर लिया, सीनियर के पास चले गए आप। यहाँ पे आपका दोस्तों पे आउट बनेगा मिनिमम 35 से 40 हजार, भी मतलब 1.5 से 2.5 लाख रुपया महीना। दोस्तों अगर वही 100% 10 बॉटल सेल करता है, 1% 10 बॉटल सेल करता है तो 8000 सीसी मैच होता है। 8000 सीसी मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेन या कैपिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो वीकली पे आउट बनता है 40000 50000 40000। दोस्तों मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 1.5 लाख 2 लाख की, इसका 50% भी लगा ले तो 90 डेज में 1 लाख प्लस इनकम आपकी गारंटी है दोस्तों, श्योरिटी है इस बात की। मैंने इसी को फॉलो किया दोस्तों, 10 लोग सर्च किए, उन 10 लोगों को प्रिपेयर किया और वो आगे आगे चल रहे हैं और ग्रुप मतलब ग्राफ बहुत अच्छा बन चुका है, ग्रुप बहुत अच्छा बन चुका है। मेरे साथ बहुत लवली पार्टनर है जो मेरा साथ दे रहे हैं। सो सर कितना टाइम है अभी मेरे पास? कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइम। नरेंद्र सर, जैसा कि आपने बताया ये सारी चीजें आपने फॉलो की, जैसे आज भी बहुत से लोग हैं सेशन के अंदर जो अपना दिमाग लगाते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, जब आप इस सेशन में इस सिस्टम में एनरोल हुए थे, तो उस चीज से आप कैसे बाहर निकले, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर प्लीज। जैसे आपने बताया कि इनिशियली आप भी जब इस सिस्टम में आए थे तो आपने अपना माइंड दौड़ाया, आप समझते थे कि यार मुझे सब आता है, इस चीज से आप कैसे बाहर आए? क्योंकि बहुत से लोग सिस्टम में होते हैं जो पुरानी कंपनियों का ज्ञान लेके या पुराने नॉलेज का ज्ञान लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, और नॉलेज होती है लेकिन इस सिस्टम की नॉलेज नहीं रखते, तो उस चीज से आप कैसे बाहर निकले सर? सर उस चीज से बाहर हम ऐसे निकले, मैं अपना दिमाग बहुत लगा रहा था और ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि रेनेट सर वही बात, एक स्कूल में एक क्लास में बच्चे बहुत बच्चे 40-50 बच्चे होते हैं, टीचर एक ही होता है पढ़ाने के लिए, मतलब कंसेप्ट हमारे पास रेनेटस ही है। हमारे साथ में बहुत हमारे बाद में लोग बहुत आ रहे थे, वो ग्रोथ बहुत कर रहे थे, मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। रीजन बीइंग कि मैं अपना दिमाग यूज कर रहा था और जो अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे थे वो ग्रोथ में थे। तो मैंने सोचा कि मुकेश सर के पास जाना चाहिए, सर के पास गया, सर ने बोला, मैं कहा सर ग्रोथ नहीं हो रही, जोर बहुत लग रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। सर ने बोला कि बच्चे ग्रोथ करनी है, मैंने बोला सर यस, बोला जो तेरे पास नॉलेज है, जो तेरे पास है वो बंद कर दे, उसे भूल जा। मैंने बोला सर ठीक है। उस दिन के बाद सर मैंने अपने अपने आप से एक भी डिसीजन नहीं लेता मैं। अगर मैंने कुछ भी अप्लाई करना होता है सबसे पहले सर से बात करता हूँ, फिर उस चीज को अप्लाई करता हूँ जी। चलिए बहुत शानदार। बाकी सर जैसे कि अभी आपने बताया ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो किए, फॉलो करने के बाद आज आप रनेटस कर रहे हैं, आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई कि आप ओनली 10th पास हैं, यस। तो बहुत से लोग हैं जो हमारे इस सिस्टम में आते हैं जो हो सकता है अनएजुकेटेड हों या कम पढ़े लिखे हों, उनके लिए आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं? सर देखो मैं आप अपने बारे में पहले बता चुका हूँ कि मेरे को आई साइड वीक है और एजुकेशन भी जेन्युइनली 10th पास है। 10th पास आज के समय में अनएजुकेटेड ही होता है, ठीक है जी। ये इस सिस्टम में पढ़े लिखे होना या ज्यादा नॉलेज होनी ये कोई जरूरी नहीं है। बस दोस्तों मैं पहले क्या मैंने यही एक पॉइंट बोला है कि अगर हम खुद का दिमाग यूज करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे, अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हम खुद का दिमाग यूज करेंगे। लखविंदर सर हमेशा एक स्टोरी सुनाते हैं दोस्तों, वो स्टोरी मेरे पे बहुत लागू होती थी कि किसी 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 सिंगर के पास एक पर्सन जाता है कि मैंने मैंने सीखना है,
मतलब वो पहले थोड़ा बहुत गा लेता था, उस सिंगर ने बोला कि तेरे लगेंगे 5 लाख, उसी के वो बोला कि ठीक है मेरे को सिखा दो। उसी के बैठे बैठे एक और चला जाता है, वो बोलता है मैंने फर्स्ट टाइम सीखना है मेरे को बताओ। उसे बोला गया 1 लाख रुपए। उसने बोला कि सर ये क्या मतलब हुआ, मेरे से तो आप 5 लाख बोल रहे हो, उसे बोला है 1 लाख रुपया और समय भी कम बोला है। तो उसे बोला गया कि तेरे को जो पहले आता है उसे मिटाने के लिए टाइम लगेगा, उसे मिटाने के लिए इसे सिखाने से ज्यादा मेहनत लगेगी। परफेक्ट एग्जांपल, थैंक यू सर, परफेक्ट एग्जांपल। तो उसके बाद सर, जैसे आप हर वीक में क्लोजिंग करते हैं, जैसे हमारा कल पे आउट आ गया सबका ना, और कल परसों क्लोजिंग हुई है, तो हर वीक को आप कैसे लेके जाते हैं? जैसे एक वीक निकलता है, आपको पता ही हम वीकली पे आउट सिस्टम पे हैं, हर वीक में नया टारगेट लेना होता है, तो हर वीक में हम लोग कैसे प्लान करें? सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हर वीक को हम लोग प्लान करें, हर वीक में टारगेट लेना क्यों जरूरी है या कि क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? सर देखो, जब तक हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, हमारा कोई गोल नहीं होगा, जैसे दोस्तों हमने कहीं जाना है, अगर अगर हमें मालूम ही नहीं होगा, सपोज करो हमने बस में सफर करना है, हमने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर हमें उस डेस्टिनेशन का मालूम नहीं होगा, उस डेस्टिनेशन का डिसीजन नहीं होगा कि हमने पहुंचना कहाँ है, तो हम कंडक्टर को क्या बताएंगे, उसे बोल देंगे कि ऐसे ही घुमाता रहे। दोस्तों सबसे पहले टारगेट, हमने इस वीक में करना क्या है ये बहुत जरूरी है। टारगेट जैसे जैसे दोस्तों मैंने मैंने टारगेट ले लिया रीजनल का, फिर मैं रीजनल की लिस्ट, मैं अपनी लिस्ट तैयार करूंगा कि मेरे टीम पार्टनर्स कितने हैं, उनमें से किस पर्सन से कितने सीसी ले सकता हूँ मैं, फिर उस टारगेट पे काम होता है जी। टारगेट पे बात होती है। नरेंद्र सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज कंटिन्यू किया और बहुत शानदार नॉलेज आपने हम तक रखी, और आपने बताया किस तरीके से सिस्टम के साथ आगे बढ़े, किस तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट सर को फॉलो किया, सबमिशन भी आपने बहुत शानदार शो की। तो बहुत सी चीजें दोस्तों बातों बातों में सर ने आपसे की है, और जो 90 डेज की सर ने आपको प्लानिंग बताई है, इन प्लानिंग को आप लोग फॉलो करेंगे। बहुत डीप नॉलेज सर ने यह दिया है हम लोग को कि 90 डेज का प्लानिंग को फॉलो करके क्या किया जा सकता है। अल्टीमेटली हमने 100 लोगों तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और जैसा सर आप गाइड किए, और अगर ये आप कर लेते हैं, अगर आपके 100 लोग जूम पे आना शुरू हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपका रीजनल एग्जीक्यूटिव तक भी तय हो सकता है, यानी 5,000 से 8,000 तो आप रेगुलर मेंटेन कर सकते हो। यस, और अगर वो 100 लोग सिर्फ 2 नोवा फाइल भी सेल करते हैं या 100 सीसी निकालना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों 10,000 सीसी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना बड़ा कारवा खड़ा किया जा सकता है, सर ने हमें बताया। तो वंस अगेन नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के शानदार नॉलेज के लिए, जो पॉइंट आपने बड़े बेबाकी से हमारे साथ रखे, और पूरा विक्ट्री आपको थैंक्स करता है इस नॉलेज के लिए। ऐसे ही आप नई नई नॉलेज हमारे बीच में लाते रहें, और हमें ऐसे ही ज्ञान देते रहें, ऐसे ही टीम को सिखाते रहें, यही हम आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे। तो वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, रियली थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेशन की तरफ से भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच सर आपके शानदार सेशन के लिए। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, चैट बॉक्स में जरा सा बताइए, और बहुत ही बेसिक नॉलेज सर ने दी है, और बहुत ही देसी अंदाज में दी है, और उस अंदाज के साथ दी है जिसपे आपको समझ में आए, और ये सारी चीजें आप इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। अब मैं आता हूं दोस्तों काउंटिंग की ओर। यस, और आज काउंटिंग में मैं आपको रैंकिंग का नहीं बताने वाला, आज मैं काउंटिंग का बताने वाला हूं कि कल आपके कितने लोग थे और आज आपके कितने लोग हैं, और लास्ट में मैं आपको टॉप 3 दूंगा। यस, टॉप 3 में कौन रहे हैं लास्ट में ये बताऊंगा, और आज सबसे पहले बताऊंगा कि कल आपकी संख्या क्या थी और आज आप किस स्तर पे हैं, और काउंटिंग के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है V15, जिसको लीड करते हैं जोगेंद्र मान सर और सतीश बालियान सर। कल आपके सर 5 लोग थे और आज भी आपके 5 लोग हैं। थोड़ा सा सर इसको बढ़ाने के लिए काम कीजिए, जोगेंद्र सर हैं, सतीश बालियान सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा कॉलिंग बढ़ाइए, और नो डाउट आप 5 को 10 कर सकते हैं, 10 को 20 कर सकते हैं। V06 डॉक्टर जोगेंद्र सर एंड कुलदीप सर, कल भी 5 लोग थे और आज भी 5 लोग हैं। V06 से भी निवेदन है कि V06 के जितने पार्टिसिपेशन मुझे सुन रहे हैं, आप भी कॉलिंग करते हुए इसकी संख्या को 12 कर सकते हैं। अगर आप एक एक व्यक्ति को बढ़ा दें तो ये कल संख्या 10 या 12 क्रॉस कर जाएगी।
नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ V27 लीड बाय ओमदा शर्मा सर एंड डॉक्टर परम सर, कल 5 लोग थे आज 9 लोग हैं, आज 4 लोग का इंक्रीजमेंट किया है V27 ने, तो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू V27। V17 लीड बाय तरुण चौधरी सर एंड धर्मेंद्र तोमर सर, कल 7 लोग थे आज 14 लोग हैं, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू ग्रुप, इन्होंने भी अपनी संख्या को आज इंक्रीज किया है। V09 लीड बाय मुकेश साहू सर, कल 7 लोग थे आज 3 लोग हैं। V10 शक्ति प्रसाद सर, कल 8 लोग थे आज 9 लोग हैं। V33 जितेंद्र सिंह सर, कल 8 लोग थे आज 5 लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, एनालाइजेशन करना है आपने कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं, कहां पर हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अपनी कमियों पे सुधार करने वाला इंसान ही बड़ी ग्रोथ को लेता है। और ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके कल कम थे आज ऐसा हो गए, इसलिए कह रहा हूं कि हमने इसी के ऊपर काम करके काम को बड़ा करना है। जैसा कि अभी नरेंद्र सर ने बताया आपको कि आपकी संख्या जब बढ़ेगी, आपके साथ लोग जब बढ़ेंगे, तो आपका कारवा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये लोगों का बिजनेस है दोस्त, जो लोगों के लिए किया जाता है, तो थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। V32 लीड बाय गुरमेल सोही सर, चरणजीत मैम एंड प्रदीप सांगला सर, कल 9 लोग थे आज 15 लोग हैं, संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ है। V32 के समस्त मेम्बरान को बधाइयां और मैं उम्मीद करता हूं 15 कल 30 हो जाएंगे। V26 नरेंद्र धीमान सर एंड राजेंद्र सर एंड गुरिंदर सिंह सर, कल 9 लोग थे आज 10 लोग हैं, एक संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है। V25 सुनीता मैम एंड मास्टर नरेंद्र जी, कल 9 लोग थे आज 11 लोग हैं, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन, 2 लोग बड़े हैं तो 9 लोग 18 भी हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉलिंग आने की जरूरत है। V11 मनीष शर्मा सर, कल 10 लोग थे आज 11 लोग हैं। V11 नंबर भी 11, लोग भी 11, अब इस 11 को 22 करने का वक्त आ गया। मनीष सर, आपने रिट्रीट अचीव किया है और रिट्रीट अचीव किया है तो उसको एंजॉय किया है, तो अब बनता है कि 20 22 25 30 50 लोग आपके जूम पे आना शुरू हो जाएं। V01 जोगेंद्र सर, सतेंद्र सर एंड जहीर खान सर, कल 10 लोग थे आज 13 लोग हैं, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू। V07 लीड बाय कुलविंदर सिंह बासियारक सर, कल 11 लोग थे आज 7 लोग हैं, 4 लोग सर मिस रहे हैं, संख्या आपके पर्सनालिटी और आपके जोश जुनून के अकॉर्डिंग कम है, तो कुलविंदर सर काइंडली चेक कीजिए कि कहां पर हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। V14 हरदीप सर, कल 12 लोग थे आज 15 लोग हैं। V24 माखन सिंह सर, जितेंद्र सिंह सर नाभा से, कल 13 लोग थे आज 15 लोग हैं, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन। V24 एंड V14 संख्या बड़ी है, लेकिन इसको हमने घटने नहीं देना और आगे लेके जाना है दोस्तों। V13 सचिन कुमार सर एंड विनय जी, कल 14 लोग थे आज 11 लोग हैं। सचिन सर, थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। V13 ग्रुप, आप बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं और अच्छे तरीके से यहां पर आप आगे आएंगे। V36 कमल सर एंड सतनाम सर, कल 15 लोग थे आज 16 लोग हैं, एक संख्या बड़ी है। और कमल सर और सतनाम सर, जिस हिसाब से आप हैं लीडरशिप, तो मुझे लगता है कल ये 30 क्रॉस कर जाएगी। V12 पुष्पा मैम लाडी जी, 16 लोग कल थे आज 17 लोग हैं, इन्होंने भी अपनी संख्या को इंक्रीज किया है। V22 लीड बाय मिस्टर पूरन कटारिया सर, डॉक्टर घनश्याम सैनी सर एंड रमेश चंद बैरवा सर, कल 19 लोग थे आज 16 लोग मीटिंग में हैं, और संख्या आपकी 22-25 तक भी गई है। यू डिजर्व लगभग 30+ पार्टिसिपेशन, आई होप बहुत जल्द आप इसे कंप्लीट कर जाएंगे आपके जोश जुनून पैशन एक्साइटमेंट के साथ। V20 लीड बाय दिलदारप्रीत सर, कल 20 लोग थे आज 15 लोग हैं, और बड़ी दिलदार पर्सनालिटी है सर, और मैं चाहूंगा कि सर आप भी चेक करें कि आज 5 लोग जो नहीं आए थे उनको जरूर कॉल खड़काएं एक बार और देखें कहां पर ये और अच्छे तरीके से हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। V04 गुरजंट सिंह लड्डा सर, कल 21 लोग थे आज 28 लोग हैं, बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया है 7 लोगों का, और ये कल मेरे को लगता है 40+ हो जाएंगे, जिस हिसाब से सर का जोश जुनून एक्साइटमेंट टीम के अंदर जा रही है, और आप उम्मीद करता हूं कि ये संख्या कल और ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे। V02 गुरुभेश सर एंड राजकुमार सर लुधियाना से, कल 21 लोग थे आज 17 लोग हैं, कुछ लोग कम हुए हैं सर, चेक कीजिएगा कौन लोग आज मिस थे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपने देखा होगा कि कल के सेशन में कौन थे और आज कौन नहीं है। V35 लीड बाई अभिषेक चोपड़ा सर, जासमिन कौर मैम, हरीश मनोचा सर, जगदीश मनोचा सर, कल 23 लोग थे आज 26 लोग हैं, इंक्रीजमेंट किया गया है। चेकआउट करते हुए इसको 35-40, क्योंकि आपके ग्रुप का नाम V35 है तो मिनिमम 35 लोग तो होने चाहिए। V05 जगदीश फौजी सर एंड फिरदीप सर, 27 लोग कल थे, 27 लोग आज है, कांग्रेचुलेशन, आपने मेंटेन किया है अपनी रैंकिंग, अपने लोगों को, और इसको बढ़ाने के लिए हमने काम करना है सर। V31 देवेंद्र मरार सर, कल 27 लोग थे आज 18 लोग हैं, काइंडली चेक सर, मेरे ख्याल से कल कॉलिंग ज्यादा था, आज कॉलिंग थोड़ा कम है, 18 लोग आए हैं V31 के, डिजर्व 31 लोग तो मिनिमम आपके बनते हैं सर कल के सेशन में। V03 जसविंदर कौर संधू मैम, मैडम अनप्रीत कौर, मैडम बलबीर कौर, 27 लोग कल थे आज 34 लोग हैं, इंक्रीज किया है, लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू V03।
आप बधाई के पात्र हैं। V18 प्रकाश सिंह सुहेल सर, गुरुदीप गिल सर, खुशविंदर संधू मैम एंड वरिंदर सिंह सर, सर 27 लोग थे, आज 16 लोग काउंटिंग में हैं, तो चेक कीजिए सर V18, थोड़ा सा चेक करने की नीड है कि कहां पर लोग मिस हुए हैं आज। V30